अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 129। और आज के इस लेसन में हम ड्रॉ करेंगे एक पाइप एल्बो। इससे प्रीवियस लेसन में हमने पाइप डिज़ाइन किया था और आज के लेसन में हम पाइप एल्बो डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लान। और आज का लेसन जो है इसमें जो हमारा प्रैक्टिकल है वो 28 है। इस लेसन के लिए मेरे पास यहाँ पे आपको डायमेंशंस भी दी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशंस दी हुई है। मैं इन डायमेंशंस के ऊपर काम करते हुए एक 3D एल्बो डिज़ाइन करूँगा, जो पाइप एल्बो भी जिसको कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे इसकी डायमेंशंस दिखाई दे रही होंगी और मैं अब ऑटो कैड पे जाता हूँ और यहाँ पे इस पर काम करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं से गेट स्टार्टेड पे ड्राइंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ से आप ये जो गाइडलाइंस हैं ग्रिड्स हैं इनको ख़त्म करना चाहें तो आप F7 प्रेस करके आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, तो मैंने ख़त्म कर दिए। अब जो काम करना है उसके लिए आप देखें यहाँ पे आपका जो सर्कल दिया हुआ है, एक इंटरनल जो सर्कल दिया हुआ है, तो इसका जो डायमीटर आपको दिया हुआ है वो है जी 6.35, 6.35 तो डायमीटर है। तो उसके लिए आप सी एंटर करें, डायमीटर के लिए डी एंटर करें और कितने जी डायमीटर 6.35, 6.35 एंटर कर दिया आप। ओके, डायमीटर आ गया। एक और सर्कल है उसके लिए फिर सी एंटर करें मिड पॉइंट से यहाँ से, और डायमीटर के लिए डी एंटर करें एंड इसका जो डायमीटर है वो है 7.62, 7.62 एंटर कर दें। अब इसके मिड पॉइंट से एक लाइन लें जो कि यहाँ पे आपको दी हुई है 10 की, इसकी डायमेंशन 10 है, तो आप यहाँ से एल एंटर करें इसके मिड पॉइंट से और F8 प्रेस करें, 5 एंटर, दूसरे से भी आप 5 एंटर करें। ओके, अब यहां पे अपने जो सर्कल ड्रा करना है तो उसके लिए भी आप C एंटर करें एंड पॉइंट से, और इसका जो डायमीटर है वो है एक है 2, डायमीटर आपने 2 देना है। डायमीटर के लिए डी एंटर करेंगे एंड 2 एंटर। ओके, और सेकेंड वन जो है वो है जी आप बस 0.95, 0.95 सी एंटर, डायमीटर के लिए डी एंटर और कितना जी 0.95, आई थिंक 0.95, 95 एंटर। इनको मिरर भी कर सकते हैं लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको कॉपी करें, सी पी एंटर करें स्पेस और इसको सेंटर पॉइंट से उठा के यहाँ पे इसके एंड पॉइंट में इसको एडजस्ट कर लें। ओके, अब यहाँ तक हमारा ये काम कंप्लीट हुआ। अब हमने इसके क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट यहाँ पे एक लाइन लगानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एल एंटर करता हूँ। तो आपको देखिए आप क्वाड्रेंट आपको मिलना यहाँ पे मुश्किल है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ से जो स्नैप सेटिंग्स हैं इसमें आप जाएं और यहाँ से आप एंड पॉइंट को भी ख़त्म कर लें, सेंटर को भी ख़त्म कर लें, तो आपके पास सॉरी कोऑर्डिनेट टेंजेंट, टेंजेंट आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है, तो टेंजेंट के लिए आप इसको ऑन भी करें और एल एंटर करें, तो आपको यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट नज़र आ रहा होगा। टेंजेंट टू टेंजेंट क्लिक करें तो ये देखें टेंजेंट टेंजेंट खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। अब मिरर कमांड आपने यूज़ करनी है, तो मिरर के लिए MI एंटर करेंगे और मिरर के लिए आपने यहाँ से एंड पॉइंट को भी सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर तीनों को ऑन कर लें और मिरर के लिए MI एंटर करें, MI एंटर स्पेस और इसको यहाँ से लेके सॉरी MI एंटर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें, इस एंड पॉइंट से लेके यहाँ तक आपने तो मिरर कर लेने, फिर मिरर MI एंटर इन दोनों को आपने सिलेक्ट करना है, स्पेस प्रेस करना है और यहाँ पे जो इसका एंड पॉइंट है ये देखें एंड पॉइंट है, इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक आप इसको ले आए। अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहा एंड पॉइंट तो आप प्लान ले दे दें यहाँ पे इस एंड पॉइंट से, यहाँ तक मैं लाइन लगा देता हूँ एल एंटर। यहाँ से सॉरी एल एंटर करना है, एल
फाइनल इंटर। एक्सेल इंटर कर देता हूँ मैं यहाँ से, एक्सेल। फिर पता नहीं लाइन क्यों नहीं रो रही, एक्सेल इंटर करता हूँ। ओके, और इसको ट्रिम कर लें, टू यार डबल इंटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे जो काम करना है वो क्या करना है, मिरर करना है इसको दोबारा। एम आई एंटर, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ स्पेस, और इसको इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक। ओके, इसको डिलीट कर दें। ओके, अब जो काम करना है वो क्या है कि आपने यहाँ से जो अनवांटेड लाइंस हैं उनको आप डिलीट, ट्रिम कर लें। ट्रिम के लिए टी आर एंटर, और मुझे जो जो चीज़ें नहीं चाहिए मैं उसको ट्रिम करता हूँ, टी आर डबल इंटर, टी आर डबल इंटर। ये मुझे नहीं चाहिए था, ये भी मुझे नहीं चाहिए, और उसके अलावा ये लाइन भी मुझे नहीं चाहिए। टी आर डबल इंटर, सॉरी, टी आर डबल इंटर, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे देखें कुछ एरिया, यहाँ पे देखें ये, इनको फिल इट करना है। यहाँ से देखें अलग अलग से लाइन आ रही है, तो फिल इट, सॉरी, ज्वाइन करना है। ज्वाइन के लिए जे एंटर, इनको सिलेक्ट करें आप। और स्पेस प्रेस कर लें, ज्वाइन हो गया। अब इसके बाद जो सेंटर है, सर्कल है, सर्कल को सिलेक्ट करें, इसको आप कॉपी करें, सी पी एंटर सेलेक्ट करके यहाँ तक ले आता हूँ। ओके, इसको ऑफसेट लें, ओ एंटर, वन एंटर, वन बहुत ज़्यादा आ जाता है, ओ एंटर, 0.5 एंटर, ओ एंटर, 0.1 एंटर, बल्कि 0.2 कर देता हूँ, ओ एंटर, 0.2 एंटर, सॉरी, ओ एंटर, 0.2 एंटर। ओके, 0.2 मैंने इसको सर्कल दे दिया। अब यहाँ पे काम ये करना है कि आप यहाँ से अब इसके फ्रंट व्यू में आना है, टॉप पे आप क्लिक करें। टॉप पे जाने के बाद आप यहाँ से इसको फ्रंट पे क्लिक करें, फ्रंट पे आ जाएं। अब आपको ये सेकंड ऑब्जेक्ट ये वाला जो है नज़र आ रहा होगा, तो ये सर्कल है। इस सर्कल को आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखें ज़रा, तो ये वही सर्कल है जो अभी हमने इस पर काम किया था। तो यहाँ पे टॉप पे क्लिक करें, टॉप पे आ जाएंगे आप। अब इस सर्कल को आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइन लेनी है, एल इंटर सेंटर से। ये देखें, ये सेंटर पॉइंट है, एल इंटर, और इसको मैं यहाँ से ऊपर देता हूँ 10 एंटर। इसको इस पॉइंट में मैं देता हूँ जी 8 एंटर, यहाँ पे देता हूँ जी 10 एंटर। ओके, अब यहाँ पे फिलेट कमांड आपने यूज़ करना है, फिलेट के लिए एफ एंटर करें। फिलेट में करता हूँ जी 3 से, मैं से फिलेट करता हूँ, तो रेडियस का देता हूँ, रेडियस के लिए आर एंटर, और 3 एंटर करता हूँ मैं देखिए फिलेट मैंने दे दिया, ताकि 6 अच्छी सी बन जाए। ओके, अब जो मैंने काम करना है वो काम ये करना है कि मैंने, अब ये जो मेरे पास एरिया है इस एल्बो के लिए, अब ये जो मेरे पास सर्कल है, तो इसको मैं यहाँ से एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, इसको एक्सट्रूड करने के लिए पाथ दूंगा, तो एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ, इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, पाथ के लिए पी एंटर करूँगा, और यहाँ से मैं इसको पाथ दे दूंगा। पाथ के लिए आप देखें पी एंटर, ये पाथ दे दिया मैंने इसको। अच्छा, एक और यहाँ पे देखें, अलग अलग से जॉइंट इसके बने हुए हैं, देख सकते हैं अलग अलग से, तो यहाँ पे भी आप फिलेट कमांड यूज़ कर लें। पहले तो पहले फिलेट कमांड आप यूज़ करें, फिलेट नहीं, सॉरी, जॉइंट कमांड यूज़ करें, जे एंटर करें, जॉइंट के लिए इसको इसको इन सबको आप सिलेक्ट करें और स्पेस प्रेस कर लें। अब ये देखें जॉइंट हो गया। अब यहाँ पे आपने, यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड आपने यूज़ करनी है। एक्सट्रूड कमांड लेता हूँ, पाथ के लिए पी एंटर करता हूँ, पाथ, तो देखें यहाँ पे मेरे पास एक एल्बो ड्रॉ हो गई है। अभी जो एल्बो यहाँ पे बनी है, अब इसके लिए आप यहाँ से देखें, तो आप ये इलास्टिक में देखें, तो देखिए ये अंदर से खाली नहीं है, देख सकते हैं,
तो उसके लिए आपने क्या करना है, 2D वायर फ्रेम में जाके तो इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए एस यू एंटर करेंगे, सॉलिड सब्ट्रैक्ट कमांड है, एस यू एंटर, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस स्पेस करें और यहाँ से इस एरिए को सिलेक्ट करके स्पेस स्पेस कर दो, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ से जाके मैं रियल इलास्टिक में आपको बताता हूँ, तो ये देखें बीच में से खाली हो गई है, देखें ज़रा, तो ये बीच में से बिल्कुल एम्प्टी खाली हो गया। और आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आप इसको भी एक्सट्रूड करना है, तो उसके लिए आप प्रेस पुल कमांड यूज़ करें, यहाँ से इसको, ये देखें यहाँ से आप प्रेस पुल कमांड यूज़ करें और इसको मैं 1.9 इंटर कर देता हूँ, ओके। अब इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए सीपी एंटर, इसको मिड पॉइंट से उठाएं, ये मिड पॉइंट है इसका, यहाँ से उठाएं और उसको यहाँ पे इसके मिड पॉइंट में रख दें, ये देखें ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे मैंने रख दिया इसको, ओके। अब ये जो है इसको मैं यहाँ से थोड़ा रोटेट करता हूँ, रोटेट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ही कमांड लेता हूँ, 3D रोटेट स्पेस प्रेस करता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ, 3D रोटेट कमांड है, जेड एक्सिस में इसको रोटेट करना है, ये देखें जेड एक्सिस है और इसको, सॉरी एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस, ये ले, हाँ हो गया, ओके। थोड़ा सा और इसको रोटेट करता हूँ, फिर प्रेस करता हूँ कि इजीली ये रोटेट हो सके, चलें ओके। अब यहाँ से इसको मैं रोटेट करूँगा और इस ये जो एरिया है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मूव करता हूँ एम एंटर, मिड पॉइंट से इसको उठाता हूँ और यहाँ पे इसको टॉप पे इस मिड पॉइंट पे रख देता हूँ, देता हूँ ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक एल्बो ड्रॉ हो गई है, यहाँ पे आप देखें तो देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये स्क्रू ड्राइवर के लिए यहाँ पे यूज़ की गई है, स्क्रू वगैरह के लिए, तो बस 3D एल्बो पाइप एल्बो ड्रॉ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और इसमें कैसे हमने एक्सट्रूड पाथ कमांड यूज़ किया है, सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ किया और इसलिए हमने डिफरेंट प्लान्स कैसे यूज़ किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।